अलवर के कृषि उपज मंडी में इन दिनों सरसों की आवक होने से किसानों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जहां हम कल मंडी के अंदर आए थे, वहां पर कल जो मंडी का भाव था 5100 के समथिंग था और आज जो भाव है 5000 के समथिंग है। तो हम यह जानना चाहेंगे, जो हमारे साथ व्यापारी हैं पप्पू प्रधान जी, उनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ सरसों की आवक हो रही है, क्या भाव है और क्या। राजस्थान में सरसों की पैदावार अलवर भरतपुर जिले में सबसे ज़्यादा होती है और राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी तेल की भी अलवर और भरतपुर है। मंडियों में इन दिनों में सरसों का अराइवल चालू हो गया है। हमारे यहाँ पर जो सरसों है वो क्विंटल के हिसाब से बिकती है और लैब निकलता है जो इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर चलता है। एक क्विंटल में 22 के लैब के केजी तेल जो निकलता है उसके आधार पर बिकता है। तो आज के बाज़ार जो हमारे यहाँ पर है वो लैब के दृष्टिकोण से 5050 रुपए की कंडीशन से बिक रहे हैं और माल जो है उनकी पोजीशन इन दिनों में नमी के आधार पर बिकता है। हमारे एक मीटर होता है जिसकी नमी के आधार पर माल बिकता है। जिनके नमी 10 के नीचे होती है उन्हें पक्की सरसों मानी जाती है और जिनकी 10-11 से ऊपर होती है उनको फिर कच्ची सरसों के आधार पर और उनका मॉइस्चर के आधार पर बिकती है। आज बाजार 4500 से लेकर 5040 रुपये तक माल बिके। मंडी में धीरे धीरे अराइवल बढ़ेगी और आने वाले समय में मंडी में और अधिकतम अराइवल होगी। बाजारों में कोई बहुत ज़्यादा तेजी मंदी नजर नहीं आती है। कितने कट्टे आज मंडी में? आज मंडी में अभी तो पूरी तरह गिनती नहीं है क्योंकि गेट पर आती है और दिन भर सरसों आती रहती है, लेकिन अंदाजा है कि 4000 कट्टों के लगभग आवक आज की रहेगी, ऐसा उम्मीद नजर आती है। बाजार में आज और दिन के मुकाबले सरसों की आवक ठीक है और शाम को पता लगता है कितने आवक। अभी मंडी में खाली सरसों की है बस, और कुछ अभी इन दिनों में केवल सरसों की जीन्स है क्योंकि सरसों की बड़ी मंडी है। सरसों इस टाइम में लोकल पैदावार होती है। यूँ तो यहाँ अनाज सभी आते हैं, चना भी आता है, गेहूँ भी आता है, बाजरा भी आती है, मक्का भी आता है, लेकिन इन दिनों में केवल सरसों का ही आ रहा है। जी, हमने अभी यहाँ व्यापारी जो हैं पप्पू प्रधान जी से बात की थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मंडी के जो भाव हैं वो 4500 से लेके 5000 के समथिंग हैं। वहीं अब हम यहाँ कृषि उपज मंडी में खड़े हैं, हम आपको दिखाते हैं किस तरह यहाँ सरसों का भराई जो है कार्य चल रहा है। यहाँ पर जो है कट्टे भरे जा रहे हैं, उनकी तुलाई की जा रही है, उसके बाद में यह गाड़ी लोडिंग की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि जो सरसों है उसमें नमी जो है वो भी देखने को मिल रही है। लगातार जो सरसों की जो नमी है उसको लेकर जो किसान हैं वो मंडी में यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ पर जो सुखाने का उनको उसका कार्य भी किया जा रहा है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि अब जब हम कल आए थे तो कल वहाँ 5100 के समथिंग का भाव था और आज यहाँ 4500 से लेके और 5100 तक का भाव है। वहीं अभी फिलहाल मंडी के अंदर सरसों की आवक है और कोई जिन्स अभी नहीं आ रही है। वहीं 15 दिन बाद गेहूँ की आवक मंडी में शुरू हो जाएगी। नितिन शर्मा, अलवर।